कहीं इनको लड़कियां जितने भी वोट मिलते होंगे उसमें से लड़कियों का रेशो जो है ज्यादा ज्यादा होगा होता लड़कों होगा से, हल्कों से, ये बात तो क्योंकि सही। माँ भी इनकी फैन होगी, बेटी भी इनकी फैन होगी दादी और भी, हो सकता है दादी भी दादी हो। भी। नाइन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। इट्स लाइक इमरान खान की बायोग्राफी। ये वीडियो टॉक शॉक की तरफ से है और अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं इमरान खान। इनकी कुर्सी खतरे में है, कई बोल रहा है खतरे में, कोई बोल रहा है बच गई है, क्या सीन है ये आप कमेंट करके बताना। ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हम इतना फॉलो नहीं कर रहे आजकल, तो कमेंट करके बता देना। अभी हम देखते हैं नाइन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टॉक शॉक को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेट्स बिगिन, हियर वी गो। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाला ये बच्चा पैदा तो एक मिडिल क्लास खानदान में हुआ था, मगर दुनिया में कोई ये नहीं जानता था कि ये एक दिन बड़ा होकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और पहले तमाम सियासी जमातों को वक्ता डालेगा और फिर तमाम कौम को भी टेंशन में डालेगा। दोस्तों, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान जो 79 साल के हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा के मालिक जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8 अरब 75 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इमरान खान अपनी जवानी के दिनों में प्ले बॉय की जिंदगी गुजारने की वजह से मशहूर थे और इनके ला तादाद ऐसे मौशके हैं जो कि हर रोज खबरों की जीनत बनते रहते हैं। इसके अलावा वो नामुमकिन बातों को मुमकिन कर दिखाने की वजह से भी मशहूर है और जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितनी लंबी स्ट्रगल इन्होंने की है और एक नई सियासी पार्टी को सिफर से शुरू करके जिस मुकाम पर इन्होंने पहुँचा दिया है वो कोई और सियासतदान नहीं कर सका। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम और क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड इमरान खान के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। ये 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिदैन का नाम इकरामुल्लाह खान नियाजी और शौकत खानम है। इनकी 4 बड़ी बहनें भी हैं। इनके वालिद एक इंजीनियर थे और इनके दोनों वालदेन का ताल्लुक एक पश्तून खानदान से है जिसका नाम नियाजी है। इनके आबा अजदाद शेरशाह सूरी की फौज के जर्नैल भी थे। 10वीं जमात तक की पढ़ाई इमरान खान ने लाहौर के मशहूर एचिसन कॉलेज और कैथेड्रल स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने बाकी की आला तालीम के लिए लंदन के मशहूर रॉयल ग्रैमर स्कूल वॉरचेस्टर और केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, दौरे जवानी में इमरान खान एक मशहूर जमाना प्ले बॉय थे और वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सी टॉप की अदाकाराओं और मॉडल्स को भी डेट करते रहे हैं। वो अक्सर लंदन के पुरतायुश नाइट क्लब्स में घूमते फिरते नजर आते थे और मशहूर है कि अक्सर किसी ना किसी ब्लॉन्डी यानी कि सुनहरे बालों वाली दोशीजा के साथ ही नजर आते थे। इनके शुरू के वक्तों के मशहूर तरीन मुआशकों में जीनत अमान, सीटा वाइट, स्टेफनी बेकम, डॉल्डी हॉर्न, क्रिस बेकर, हन्ना मैरी रोसचाइल्ड और बेनज़ीर भुट्टो के अलावा लातादाद ऐसी और भी खवातीन शामिल हैं। इस तरह की हरकत करने वाले दूसरे मर्दों के बरक्स इमरान खान ने कभी भी अपने माजी के फेयर्स को ना तो छुपाने की कोशिश किया और ना ही कभी इनसे मुकरे हैं। इनमें से कुछ खवातीन इमरान खान से मिलने पाकिस्तान भी आई और पाकिस्तान की टीम के साथ दूसरे मुल्कों में भी जाती रही हैं। इनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी, भाई यहाँ पर मुझे सलमान खान का एक डायलॉग लग रहा है याद आ रहा है जिसमें वो भारत मूवी में बोलते कि मेरे सर पे जितने बाल है उससे कई ज्यादा रंगीन मेरी जवानी है। वो याद आ रहा मुझे। इमरान खान के साथ कई साल इनके घर पर बकायदा इनकी बेनिकाह बीवी के तौर पे भी रही हैं। इमरान खान ने इनको ना सिर्फ मुसलमान किया बल्कि वो दोनों शादी भी करना चाहते थे मगर किस्मत ने इनका साथ ना दिया। ये खातून आज भी एक मुसलमान के तौर पे ही जिंदगी गुजार रही हैं। आज इमरान खान से पूछा जाता है तो वो साफ साफ अपने माजी की बुराइयों का इकरार करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुद को कोई फरिश्ता समझता हूँ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए इमरान खान और बेनज़ीर भुट्टो की आपस में बेहतरीन दोस्ती भी थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ दोस्ती से बढ़कर ही थे मगर इतनी बात तो साफ जाहिर है कि इमरान खान और बीबी के वालदैन भी शुरू में इन दोनों की शादी कर देना चाहते थे। साल 1987 से 1993 के दौरान इमरान खान का लंदन की एक अमीर जादी सीटा वाइट के साथ भी एक इंतहाई सीरियस और गर्मा गर्म अफेयर चलता रहा जो कि तकरीबन 6 साल तक चलता रहा। इस रिश्ते के दौरान इमरान खान की सीता वाइट से एक नाजायज बेटी भी पैदा हुई यानी कि बगैर शादी की औलाद। इस नौजवान लड़की का नाम टायरन जेड है और आज ये तकरीबन 30 साल की है। सीता वाइट के मुताबिक इमरान खान ने कभी भी इस औलाद को कबूल नहीं किया क्योंकि इन्हें एक बेटे की जरूरत थी। 2004 में सीता वाइट की मौत के बाद न सिर्फ इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी को गले लगाकर कबूल किया बल्कि इन्होंने अपने खानदान में भी जगह दी और आज इनकी ये बेटी इनकी पहली बीवी जमाइमा के साथ ही रहती है। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर क्या आप इमरान खान को एक अच्छा इंसान समझते हैं? कमेंट में लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। दोस्तों,
खान समझ गए थे इंसान को यार कि एक नौजवान हसीना जो कि इनसे 22 साल छोटी थी, जमैमा इमरान खान से बहुत प्यार करती थी और ये दोनों एक दूसरे के बारे में जुनूनी थे और वो 9 साल इमरान खान के साथ पाकिस्तान रही और उन्होंने हर अच्छे और बुरे वक्त में इमरान खान का साथ भी दिया। इमरान खान के कहने पर वो मुसलमान भी हुई और इनके दो बेटे भी हुए जिनका नाम सुलेमान खान और कासिम खान है। इमरान खान की तमाम बीवियों और गर्लफ्रेंड में सबसे बेहतरीन इंसान होने का सबूत जमैमा ने ही अदा किया। मगर जब इमरान खान सियासत में आए तो इनके दुश्मनों ने इनकी बीवी पर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। जमैमा का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। इस वजह से दोनों शोहर बीवी की इस्तेवाजी जिंदगी का भी बेड़ा गर्क हो गया और साल 2004 में इमरान ने ना चाहते हुए भी बेचारी जमैमा को आजाद कर दिया। इमरान खान और जमैमा आज भी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों साल 2015 में इमरान खान ने खूबसूरत और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रेहम खान से शादी की जो कि इनसे उम्र में काफी छोटी भी थी। इनकी ये शादी सिर्फ 8 महीने चली क्योंकि शादी के चंद दिन बाद ही इमरान खान को ये मालूम हो गया था कि ये औरत ना सिर्फ पैसे की भूखी है बल्कि वो एक मखसूस मुखालिफ सियासी पार्टी का एजेंडा लेकर आई है। शादी के बाद रेहम खान की इमरान खान और दूसरे पार्टी के रहनुमाओं के साथ हर दिन जंगे होने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया जब इमरान खान को जहर दिया गया और सब उंगलियां इनकी बीवी रेहम खान पर उठी, जिसके बाद अक्टूबर 2015 में इनकी तलाक हो गई। तलाक के बाद रेहम खान ने रोज टीवी पर आकर इंटरव्यू देना शुरू कर दिया जिसमें वो इमरान खान के कैरेक्टर पर हर तरह के गंदे इल्जाम लगाती जिनमें से कुछ तो काफी फनी मालूम होते थे। साल 2018 के इलेक्शन से चंद माह पहले रेहम खान ने इमरान खान के मुतालिक एक किताब भी लिखी जिसमें इन्होंने अपने साबिक शोहर के मुताबिक हर तरह की गंदी बकवास की और ये तक कहा कि इमरान खान के खुसरों से भी ताल्लुकात हैं। इस किताब से इनके कैरियर को तो कोई फायदा हुआ होगा या ना हुआ होगा, मगर उल्टा इसका इमरान खान को काफी फायदा हुआ क्योंकि इमरान खान 2018 का ये इलेक्शन जीतकर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इसी साल इमरान खान ने अपनी मुर्शिद बुशरा बीबी से निकाह किया जो कि सूफी तालीमात का दर्स लोगों को देती थी। बुशरा से शादी के बाद इमरान खान ने अपनी शख्सियत को काफी हद तक इस्लामिक किया है क्योंकि बुशरा बीबी एक इंतहाई नेक और अल्लाह अल्लाह करने वाली खातून है जो कि अपना चेहरा भी लोगों को दिखाना पसंद नहीं करती। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इमरान खान आज पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा नाम है और क्यों ना हो। इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम को जितवाया था और फाइनल में इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड को हराया था, मगर इस कामयाबी में सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर क्रिकेट टीम समझी जाती थी और बहुत मर्तबा हम वर्ल्ड कप से बाहर भी होने लगे थे, मगर इमरान खान ने हिम्मत ना हारी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दोस्तों एक नौजवान के तौर पर इमरान खान एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। इनके दो बड़े कजन भी इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में थे और इन्होंने इमरान खान को बताया कि बेटा तुम कभी फास्ट बॉलर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारा एक्शन फास्ट बॉलिंग वाला नहीं, मगर इमरान खान रोकने वाले नहीं थे और उन्होंने शदीद मेहनत करके अपना एक्शन भी बदल डाला और दुनिया भर के सामने कामयाब फास्ट बॉलर बनकर दिखाया। क्रिकेट में इमरान खान एक जबरदस्त ऑलराउंडर भी थे। इनके बारे में मशहूर है कि ये बंदा मैच की पहली बॉल खेलता भी है और पहला ओवर भी यही कराता है। अपने कैरियर में इमरान खान ने 88 टेस्ट मैचेस, 175 ओडीआई मैचेस, 382 फर्स्ट क्लास मैचेस और 425 ए लिस्ट मैचेस खेल रखे हैं और कुल 36,000 रन बनाए हैं और कुल 2300 खिलाड़ियों को वापस घर भेजा है। इनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो कभी भी हार नहीं मानते और इन्हें अगर कोई बात नामुमकिन लगती है तो वो मेहनत करके इसको मुमकिन कर डालते हैं। फैक्ट नंबर 7, इमरान खान को साल 1987 से ही सियासी पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी सीटों की पेशकश होने लग गई थी। वो इसलिए कि इमरान खान एक सुपरस्टार थे और हर दिल में घर करते थे और तमाम लोग खासतौर पर खवातीन हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर की दीवानी थी। सब जानते थे कि इमरान खान जितना खुश शक्ल है इतना जहीन भी है। जियाउल हक, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ सब ने इमरान खान को अपनी पार्टी में बड़ी जगह की ऑफर दी, मगर इमरान खान ने खुद की पार्टी बनाकर अपनी ताकत से मुल्क में करप्शन को खत्म करने की ठानी और वो किसी दूसरे के मातहत रहकर ये काम नहीं कर सकते थे। 25 अप्रैल 1996 को इन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बुनियाद रखी और खुद पहली बार अमली सियासत में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हर इलेक्शन लड़ा और 2018 से पहले वो तमाम इलेक्शन हारते रहे, मगर 2013 के इलेक्शन में उन्होंने सुपर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बना ली थी। इमरान खान की पार्टी ने इन चंद सालों में मुल्क के सबसे छोटे सूबे में इतना अच्छा काम किया कि पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो गई और आखिरकार इमरान खान की कोशिशें
लिए रंग लाने लगी और इनकी अंथक मेहनत से आखिरकार पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाजा भारी अक्सरियत के साथ ताकत में आ गई और आज हमारे वजीर आजम इमरान खान हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इमरान खान कभी गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं और खास तौर पर हम सब नौजवानों की, इसलिए इनकी पार्टी की एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों पर मुश्तमिल है जो कि करप्शन से तंग है और मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तान की करप्शन से तंग है और मुल्क के निजाम की सफाई देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी रहसिया का जरूर करें। इलेक्शन के दौरान इमरान खान की पार्टी का नारा भी यही था कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। इमरान खान जबरदस्त किस्म के जलसे करके नौजवानों को अपनी बात पर कायल भी करते रहे। इन्होंने साल 2012 में मीनारे पाकिस्तान पर एक यादगार तारीखी जलसा किया जिसमें 5 लाख अफराद ने शिरकत की और इमरान खान की सुनामी को खुश आमदीद कहा। इमरान खान हमेशा अपोजिशन में बैठकर गरीब के लिए आवाज उठाते रहे हैं और करप्शन खत्म करने का वादा भी करते रहे हैं। इन्होंने कमर कसकर नवाज शरीफ की पार्टी को चैलेंज भी किया और दुनिया भर के सामने नवाज शरीफ को अदालत में घसीट कर ले गए, जिसके बाद हम सब ने देखा कि पहले पानामा आया, फिर अकामा आया और फिर एक के बाद एक हमारे मुल्क के साबिक वजीर आजम के पोल खुलते गए, जिसके बाद इनको 15 साल की जेल हुई और वो अदालतों को धोखा देकर अपनी बीमारी का बहाना कर बाहर चले गए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हमारे कप्तान इमरान खान ने 1991 में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के नाम से लाहौर में एक अस्पताल बनाया जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है। इस अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इमरान खान ने जब यह अस्पताल बनाना शुरू किया तो दुनिया भर के अमीर अफराद से इमदाद इकट्ठी की और खास तौर पर बरतानिया की प्रिंसेस डियाना ने दिल खोल कर इनकी मदद की। आज यह अस्पताल पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी भी कायम की जहाँ पर हर तरह के मजामीन पढ़ाए जाते हैं। ये एक बैन-उल-अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर खास तौर पर मुख्तलिफ जुबानें पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इमरान खान का ये इदारा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान की अलामत भी है। दोस्तों इमरान खान आज हमारे वजीर आजम है और लाखों दिलों पर राज भी करते हैं। इन्होंने माजी में बहुत सी गलतियां की हैं मगर इन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा भी और आज वो दुनिया में अपनी माजी के प्ले बॉय के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं जो कि अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। आप सब ये बात याद रखिए दोस्तों कि इमरान खान को पहले ही दिन से एक ऐसा मुल्क चलाने को मिला है जहां पर 70 सालों से सिर्फ करप्शन होती चली आई है और 70 सालों का गंद आप सब चाहते हैं कि सिर्फ 5 सालों में साफ हो जाए, तो इसमें तो वक्त लगेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इमरान को कुछ वक्त दें ताकि हमारा खुश शक्ल वजीर आजम इस मुल्क में कुछ तब्दीली भी ला सके। ये फैक्ट्स जानकर मतलब सच में इनकी जो जिंदगी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही, मतलब है, और इस पे तो भाई मूवी बनना चाहिए भाई। बिल्कुल बहुत यार, ये है सच में एक पूरी कहानी है इनकी जिंदगी। सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि इन्होंने जो भी चीजें की अपनी जवानी में, जितनी भी रंगीन जवानी जो भी था, गलत काम किए हैं या जो भी, सब एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी इमेज सुधार रहे हैं, कि सब एक्सेप्ट करा है इन्होंने कि हाँ मैंने किया है भाई, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। बट हाँ भाई ये बात, बट उसके बाद इन्होंने अच्छे काम भी करना शुरू करे, जैसे कि वो कैंसर वाला हॉस्पिटल बनवाया और भी इनकी जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने काफी काम करवाया। और हाँ आजकल जैसे हमने इनकी बहुत सारी स्पीचें भी सुनी है तो अल्लाह का नाम लेना और हदीस की बातें करना, ये भी एक है कि अगर नेक बीवी होना तो इंसान भी नेक बन ही जाता है, बेनमाजी नमाजी बन जाता है। सही मिली, बीवी सही मिली है इन्हें इस बार, हर बार इनके साथ चोट भी है। बाकी कितनी वाइफ आई इनकी जिंदगी में, कितनी लड़कियां आई, खास तौर पर लड़कियां, ऑब्वियसली आज भी लड़कियां इनकी दिया जानी है यार। पीटीआई में अगर पीटीआई की अगर आप वो देखोगे जलसे वगैरह, वहाँ नौजवान लड़कियां आपको ज्यादा दिखेगी। अभी हमने देखे फोटो, लगता है इनको जितने भी वोट मिलते होंगे उसमें से लड़कियों का रेशो जो है ज्यादा ज्यादा होता है लड़कों से। ये बात, माँ भी इनकी फैन होगी, बेटी भी इनकी फैन होगी, दादी हो सकता है, दादी भी, नानी भी, दादी भी, माँ भी। सब अपने अपने किससे बात करती होगी एक दूसरे से। मेरे टाइम पे ये था फिर बट यस आज भी मतलब आज की लड़कियां भी इनकी बहुत फैन है। मतलब मुझसे काफी लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि यार इनके ऊपर, इनके सपोर्ट में वीडियो बनाओ, इनकी कुर्सी जा रही है, लोगों से बोलो कि इनको वोट करे और दुआ करो इनके लिए, पता नहीं क्या क्या। मतलब इतने ज्यादा क्रेजी है इनके लिए लोग, जैसे सेम मतलब मैं कहूँगा जैसे इसमें बताया ना कि इसके इनके लिए लोग कितना क्रेजी, सेम इंडिया में लोग मोदी जी के लिए बहुत क्रेजी है। और जिस तरह से ये बताते हैं कि भाई 70 साल वाला जो करप्शन रहा है मैं उसे 5 साल में तो ख़त्म नहीं कर सकता, उसी तरह यहाँ पर मोदी जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने जो 70 साल में देश का बेड़ा गर्क करा या करप्शन करा है तो वो मैं 7-8 साल में नहीं ख़त्म कर सकता। हाँ 7 साल तो
इस चक्कर में ये तो वही चल रहा है, वो दोनों सेम सीन चल रहा है ऐसा लग रहा है। और दोनों ने सेम एक जैसे ही मैच जीता है, मतलब सॉरी मैच एक तरफा जीता है, एक तरफा इन्होंने भी जीता है, एक तरफा हमारे अभी मैच जीता है दो बार लगातार। और मुझे नहीं लगता कि अगली बार भी चुनाव होंगे तो आई थिंक इमरान खान हारेंगे, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट अभी पब्लिक कर रही है ना, बहुत तड़का सपोर्ट कर रही है। ऑब्वियसली यार विपक्ष का तो काम है यार वो तो, और विपक्ष का मुझे लग नहीं रहा है कि इनके अगेंस्ट में कोई तगड़ी पार्टी खड़ी है अभी, क्योंकि नवाज शरीफ तो ऐसे ही बदनाम है उनकी पार्टी तो। हाँ चोरों की पार्टी कहते हैं ना, चोरों की पार्टी तो मुझे लगता नहीं है। जैसे मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है ना अपोनेंट तगड़ा वाला, वैसे इनके सामने भी कोई तगड़ा। बाकी इन्होंने जो काम किया ना वो हमारे यहाँ के एक मुख्यमंत्री कर रहा वैसा काम किया कि पहले एक तबका लिया इन्होंने, एक तबका ऐसा काम किया है कि लोगों को उनकी आदत पड़ गई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने आगे एक मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो एक उसने उन्होंने दिल्ली ऐसा बनाया कि अब उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट बना लिया, अब धीरे धीरे हो सकता है और भी गवर्नमेंट बना लिया वो जगह जगह। काम ऐसा करेंगे तो लोग वोट देंगे यार, काम ऐसा करो कि लोग बात करें कि हाँ भाई इस बंदे ने काम किया। गाइज आप बताओ आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।